सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एलपीजी गैस सिलेंडर में जो 200 रुपये सब्सिडी के लिए जो सरकार ने घोषणा की थी, उसके बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि एलपीजी गैस सिलेंडर में किस किस को 200 रुपये की सब्सिडी मिलेगी और किस लोग को सब्सिडी नहीं मिलेगी, इस वीडियो में फुल डिटेल्स में बताने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते अपना वीडियो। दोस्तों, अगर एलपीजी गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको 200 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। दोस्तों, अगर आप साल भर में केवल 12 सिलेंडर लेते हैं तो आपको 12 सिलेंडर में ही केवल आपको 200 रुपये पर सिलेंडर के हिसाब से आपको सब्सिडी इसमें दी जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक साल में अगर वो 12 से ज़्यादा सिलेंडर लेते हैं तो जितने भी आप ज़्यादा सिलेंडर लेंगे, एक ही सिलेंडर या दो सिलेंडर या पाँच सिलेंडर ज़्यादा लेते हैं तो उसमें आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। केवल आपको एक साल में 12 सिलेंडर के लिए ही आपको 200 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं कि उज्ज्वला योजना की जो सब्सिडी है किसको इसको मिलेगी, उसको जो भी उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो 9 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं तो उन्हीं लोगों को केवल 200 रुपये सब्सिडी मिलेगी। अगर उज्ज्वला योजना से अदर लोग हैं, यानी जिन लोगों ने उज्ज्वला योजना का सिलेंडर इनके पास नहीं है, उन लोगों को 200 रुपये की जो सब्सिडी मिलती है वो उनको नहीं मिलेगी। दोस्तों, आप लोगों का काफ़ी कन्फ्यूज़न था कि 200 रुपये की जो सब्सिडी मिलेगी केवल उज्ज्वला योजना वालों को मिलेगी या सबको मिलेगी। दोस्तों, सबको नहीं मिलेगी, केवल 9 करोड़ लोगों को मिलेगी जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, केवल उन्हीं लोगों को 200 रुपये की सब्सिडी मिलने वाली है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो न्यूज़पेपर है उसमें भी दिखाया गया कि मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के करीब 9 करोड़ लोगों का बड़ा तोहफा दिया है। इसका मतलब है कि केवल आपको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ही आपको 200 रुपये की सब्सिडी मिलने वाली है। और दोस्तों, यहाँ पर जैसे लिखा है कि 12 सिलेंडर पर ही दी जाएगी। देख सकते हैं कि आप जो भी 200 रुपये सब्सिडी होगी केवल 12 सिलेंडर पर दी जाएगी। हालांकि पहले आपको गैस सिलेंडर रिफिल कराने में पूरी कीमत चुकानी होती है, इसके बाद सब्सिडी का पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। बता दें कि आमतौर पर एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत हर महीने बदलती है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से महीने में 2 बार ही कीमतों में इजाफा हुआ है, रेट 1000 रुपये के बाहर निकल गया है। दोस्तों, आपका कंफ्यूजन पूरा दूर हो गया होगा कि जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ही आपको केवल 200 रुपये की सब्सिडी आपकी माफ़ की जाएगी, सभी लोगों का 200 रुपये की जो सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी, केवल 9 करोड़ लोगों को मिलेगी जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रजिस्टर है। दोस्तों, इसको उज्ज्वला योजना का जो सब्सिडी मिलेगी, आप लोगों ने जो भी अपना बैंक अकाउंट नंबर, जो भी आपने अपना खाता लगाया हो, केवल उसी में ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपको कहीं भी रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो भी आपका पहले से खाता लगा है उसी में ऑटोमेटिक आपका 200 रुपये की सब्सिडी आपके खाते में आ जाएगी। दोस्तों, कोई भी डाउट होता तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से लोगों को 200 रुपये की जो गैस सिलेंडर की सब्सिडी आपको मिलती है, किस किस लोग को मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, आपको पूरी जानकारी हो चुकी होगी। दोस्तों, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आप लोग हमारी वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते और ना ही हमारी वीडियो को लाइक करते। दोस्तों, आप लाइक कर देंगे तो थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो गाइस, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।